अगले 7 घंटे में आएगा इन 3 राज्यों में सबसे बड़ा तूफान, मौसम विभाग ने किया सतर्क। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 10 घंटे में बारिश और तूफान आने की संभावना बन रही है। आपको बता दें कि भारत में बुधवार रात 5 राज्यों में आए आंधी तूफान के कोहराम से 124 लोगों की मौत हो गई, जबकि 350 से कहीं ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दर्जनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। इसकी सूचना मौसम विभाग द्वारा पहले ही दे दी गई थी। गृह मंत्रालय के अनुसार पिछले 2 दिनों के दौरान आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से अकेले उत्तर प्रदेश में 73 जिंदगियां खत्म हो गईं। वहीं राजस्थान में भी 35 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने अगले 24 घंटे में आंधी तूफान के लौटने की आशंका जताई है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात की स्थिति बनने की वजह से यह अनुमान लगाया गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ था और दिल्ली में कम दबाव का क्षेत्र बना था। बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाओं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच टकराव हुआ। इसका नतीजा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में तूफान के रूप में देखने को मिला। हरियाणा के ऊपर बने चक्रवाती प्रवाह के चलते भीषण अंधड़ आया, जिसने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई। उन्होंने अनुमान व्यक्त किया कि तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही होगी। इस स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा अलर्ट किया जा रहा है। लाइक और फॉलो बटन दबा कर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपके प्रदेश में